हेलो फ्रेंड्स, आप हर बात ये पूछते हैं कि हमें ऐसे कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। बट नॉर्मली मैं आपको ये बता दूं, जो मेरा एज क्राइटेरिया है, जो मेरा रिस्क एपिटाइट है, जो मेरा इनकम स्लैब है, क्या आपके साथ वो बराबर बैठता है? अगर ये नहीं है, सेम नहीं है, तो आप कैसे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कॉपी कर पाओगे? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है इंडिया में जो कोई भी, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, म्यूचुअल फंड से बेहतरीन गोल बेस्ड प्रोडक्ट कुछ है नहीं। यानी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी हो, चाहे वो आप बिगिनर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, तो आप अपने गोल को सही से एम करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ना, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे वो स्मॉल कैश हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बट वहाँ पे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। बट म्यूचुअल फंड हमें ये आजादी देता है। पर बात भी वहीं पे आके टिक जाता है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मैं इन जनरल बात करने जाऊं तो इंडिविजुअली मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं आज के इस वीडियो में हमें सिर्फ जनरलाइज करके मैंने रखा है कि एवरी एज कैटेगरीज में, एवरी एज क्राइटेरिया में आपको किस हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली चार एज ग्रुप डिफाइन किया है। एवरी एज ग्रुप के अंदर आपको कैसे, कितना परसेंट, कौन सी कैटेगरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, आज हम ये डिटेल से देखेंगे, एक्सेल शीट में ये देखेंगे। एंड वहाँ पे हम एग्जैक्ट अमाउंट डाल के भी देखेंगे आपको कितना परसेंट एंड कितना अमाउंट कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आप लोगों के लिए, बट मैं ऐसे जितने सारे रिसर्च किया इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मुझे ये मिला कि अगर आपको ये नॉलेज मैं आपको देता हूँ तो आपको काफी फायदा होगा। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, नॉट ओनली दैट, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अच्छे से आप बना पाओगे एंड अपने गोल को आप अचीव कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी एक्सेल शीट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से एज क्राइटेरिया में आपको कौन सी कैटेगरी म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में जाने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे कम्युनिटी ग्रो होता है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, अभी चलिए मेरे स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं कि एक्जैक्टली आपको कौन से एज क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फर्स्ट एज 24 to 28 के अंदर एज क्राइटेरिया को लिया है। नॉर्मली जो ये एज कैटेगरीज है, यहाँ पे आप स्टार्टर होते हैं, यानी आप नए नए जिंदगी को शुरू करने जाते हैं। इससे पहले जो एज होता है नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ होते हैं, आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो या फिर कहीं पे मास्टर डिग्री करते हो, तो यहाँ पे नॉर्मली 23-24 हो ही जाता है। बट उसके बाद जो ये 28 के अंदर जो एज है, यहाँ पे नया नया आप जॉब करते हैं या फिर एक दो साल मार्केट में 3 साल जॉब कर चुके हैं और कुछ पैसा मंथली कंसिस्टेंटली इनकम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे एज कैटेगरीज में जो आते हैं उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होते हैं। नया नया कोई शादी वादी तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो चलो आप आपके ऊपर ले लो, बट नॉर्मली इस एज क्राइटेरिया में आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो ऐसे में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज किया। यहाँ पे एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड का नेम मैं यहाँ पे नहीं बताया, बट वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपको इस एज कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये दिस इज नॉट फॉर योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आप अपना रिसर्च कीजिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले, बट ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली अगर ये फॉलो करते हैं तो आपको ये बेटर रिजल्ट दे सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फर्स्ट दिया है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पे 10% मैंने दिया है। निफ्टी 50 क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही बार मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो टॉप इंडेक्सेस होते हैं, यानी जो टॉप 100 कंपनीज होते हैं, वो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं। उसी टॉप लार्ज कैप 100 कंपनी से जो टॉप 50 कंपनी होती है, वो निफ्टी 50 इंडेक्स कहता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनी होती है उसे निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं। तो यहाँ पे सारे जो टॉप कंपनीज होते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में होते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना मतलब है कि आप इंडिया की ग्रोथ में, कंट्रीज की ग्रोथ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पे कोई मैनेजर का इंटरवेंशन नहीं होता है, सेबी का जो रूल से रेगुलेशन है उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में एवरी प्रोपोर्शनल वाइज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में आपको 10%, फ्लेक्सी कैप में आपको 25%। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड नॉर्मली क्या होता है कि जो फंड्स मैनेजर होते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं तो आप इतना समझिए, अगर जो फंड्स मैनेजर होते हैं जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स का मैनेजर के पास पूरा आजादी रहता है, वो जितना चाहे स्मॉल कैप में, जितना चाहे मिड कैप में, जितना चाहे लार्ज कैप में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो दैट ये बहुत डिपेंड हो जाता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को इतना आजादी दे देते हैं तो वो भी ट्राई करते हैं कि अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। सो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कैटेगरी इन म्यूचुअल फंड। तो यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड में 25%, लार्ज कैप एंड मिड कैप जो हम नॉर्मली इमर्जिंग इक्विटी ब्लू चिप फंड कहते हैं, यहाँ पे आप 35% कर सकते हैं। एंड स्मॉल कैप फंड जो नॉर्मली इंडियन स्टॉक मार्केट में टॉप 250 कंपनी जाने के बाद जितने सारे कंपनी बचता है सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं, स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं।
और स्मॉल कैप कंपनी क्या होता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है बट नेगेटिव रिटर्न, यानी यहाँ पे बहुत ही लॉस होने का भी चांसेस होता है अगर आप शॉर्ट टर्म गोल लेके आते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म होराइजन में स्मॉल कैप 15-20% रिटर्न दे सकता है। आज तक जितना मैंने देखा है 15-16% तो ये रिटर्न दिया है। सो यहाँ पे आपको स्मॉल कैप फंड में आपको 30% देन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कोई आपको अलॉटमेंट नहीं चाहिए एंड यहाँ पे गोल्ड भी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। बट अगर आप इससे आगे जाकर भी आप सोच सकते हैं तो वेल एंड गुड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं फिनगार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट सीख के एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफी सारे नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में फिनगार्ड एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू जाके आप ये सारे कोर्सेस फ्री में अवेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फिनगार्ड वेबसाइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे एंड कोर्सेस मेन्यू में जाएंगे एंड फ्री कोर्सेस मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे कोर्सेस फ्री में अवेल होता है। पे देखिएगा, आप अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेस फ्री में अवेलेबल होता है। आप यहां पे सोचोगे कि फ्री में कोर्स अवेलेबल है मतलब ज्यादा लंबी नहीं होगी, 10-15 मिनट की वीडियोज होगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये सारे वीडियो काफी लंबे वीडियोज होते हैं, 4-5 आवर की वीडियोज होते हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक के थ्रू जाके रजिस्टर कीजिए एंड ये सारे कोर्सेस फ्री में अवेल कीजिए। अगर आप फ्री कोर्सेज देखने के बाद आपको लगता है कि मुझे और भी डेप्थ नॉलेज लेना जरूरी है तो आप उनके पेड जो कोर्सेस है इसे भी आप अवेल कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक के थ्रू जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ये सारे कोर्सेस को आप आपके चॉइस के हिसाब से पिक कीजिए। देन फ्रेंड, नाउ वाली बात करते हैं एज 29-35 के अंदर। ये जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पे ये थोड़ा मीडियम रिस्क टेकर के लिए हो जाता है क्योंकि इस एज में आके आप 7-8 साल से जॉब कर चुके होंगे, अच्छा खासा पैसा इनकम कर रहे होंगे एंड यहाँ पे आपका शादी भी हो चुका होगा, नॉर्मली इस एज में आके हो ही जाता है, बच्चे भी हो रहे होंगे तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बिगिनिंग फेज में होता है तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका आ जाता है क्योंकि पेरेंट्स भी रहते हैं। तो इस एज कैटेगरिया में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी का स्टार्टिंग होता है। तो ऐसे में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको 15% और यहाँ पे आपको फ्लेक्सी कैप फंड में 25% कर सकते हैं। देन यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप फंड जो इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड होता है वहाँ पे 30% कर सकते हैं। देन आपको स्मॉल कैप फंड में 20% एंड हाइब्रिड फंड में यहाँ पे फिर भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए बट गोल्ड में आप यहाँ पे 5-10% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गोल्ड क्यों बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये जितने सारे आपके जो म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है और यहाँ पे अगर आप एज क्राइटेरिया 29-35 है इसका मतलब है सिंपली 100 माइनस एज, लेट्स से आप 35 में हो अभी या 30s में हो तो 100-30=70% जो भी आपका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 70% अमाउंट आप इक्विटी में डालेंगे, 30% अमाउंट आप डेप्ट में डालेंगे। डेप्ट में गोल्ड म्यूचुअल फंड वन ऑफ द ग्रेट वे, या तो आप पीपीएफ कर सकते हैं, आप एनएससी वगैरह में डिपॉजिट कर सकते हैं बट पीपीएफ मेरा वन ऑफ फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। देन गोल्ड म्यूचुअल फंड जहाँ पे यहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छा होता है एंड लॉन्ग टर्म में 8-10% तक यहाँ पे रिटर्न आ जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं एक्जैक्टली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल दूँ, लेट्स से आप अभी इस उम्र में 20,000 आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे ऐसे आता है, लेट्स से आपको 20,000 इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे लेट्स से मैं आपको 10,000 डाल देता हूँ कि आप स्टार्टअप में 10,000 इन्वेस्ट कर पाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 में आप कितना पैसा डाल पाएंगे। जैसे इस एज कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पे 3,000 आप इंडेक्स फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000, लार्ज एंड ब्लू चिप में फंड जो इंडेक्स जो आपके इमर्जिंग इक्विटी फंड यहाँ पे 6K, स्मॉल कैप में आप 4,000 रुपए एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो यहाँ नॉर्मली गोल्ड ETFs होते हैं यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो 2,000 रुपीज। बट यहाँ पे जब मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मली गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF, यहाँ पे मैं आपको फिजिकल गोल्ड के बारे में नहीं बता रहा हूँ या फिर डिजिटल गोल्ड बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, डिजिटल गोल्ड डिफरेंट चीज है, वहां पे मैं नॉर्मली प्रीफर नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है हमें यहाँ पे एज 36-45 के अंदर। अब ये एज कैटेगरीज में अगर आते हैं, जैसे कि मैं इस एज कैटेगरीज में आता हूँ, लेट्स से मेरा अभी 39 चल रहा है तो यहाँ पे मेरा रिस्क भी काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स भी एज हो जाता है ज्यादा तो वहाँ पे उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं बिलीव करता हूँ कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस आपके पास तो 100% होनी चाहिए, अगर नहीं किए हैं तो आप आज ही जाइए अपना टर्म इंश्योरेंस कीजिए एंड यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिए जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो यहाँ पे आते आते आपका सैलरी भी काफी हाइक हो चुका होगा, लेट्स से आप यहाँ पे 30-40,000 आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे पर मंथ, तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे रिस्क भी कम हो जाता है बट रिटर्न भी कंसिडरेबली थोड़ा सा कम मिलता है। बट यहाँ पे आप निफ्टी 50 में 30%, फ्लेक्सी कैप में अगेन 20%,
एवरेज 29-35 अगर आते थे तो आपको 25%, बट यहाँ पे आपको 20% आपको ठीक ठाक है, बट देन लार्ज एंड मिड कैप फंड में आपको 25% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन स्मॉल कैप में आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होता, वहाँ पे 15-16 साल आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। मैं यहाँ पे मैक्सिमम 60 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बट गोल्ड में आपको एटलीस्ट तो 10% रखने चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को जब मार्केट वोलेटाइल होता है, मार्केट गिरता है तो आपको मार्केट नेगेटिव दे सकता है रिटर्न, तो यहाँ पे गोल्ड बहुत ही हेज ऑप्शन होता है, अच्छा हेज ऑप्शन होता है कि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे। सो ऐसा में अगर यहाँ पे मैं लेट से 30,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं 30,000 एंट्री करता हूँ, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेट से यहाँ पे 9 के आप इंडेक्स फंड में, 6,000 आप फ्लेक्सी कैप फंड में, लार्ज एंड मिड कैप फंड में 7,500 रुपए, 4,500 रुपए आप स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हो, यहाँ पे 3,000 रुपए गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड, लास्ट एज क्राइटेरिया में आते हैं, एज 46 to 60 के अंदर ये जो ग्रुप होते हैं ना, एज ग्रुप, यहाँ पे आके आप रिटायरमेंट के करीब ही हो जाते हो। अब जब रिटायरमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ के एकदम चुपचाप बैठ जाओगे, मैं तो बूढ़ा हो गया रिटायर हो गया, ऐसा नहीं। आप रिटायर होने के बाद आप कुछ दूसरे बिजनेस करना चाहते हो, दूसरे लाइन में जाना चाहते हो, बट जो आप काम कर सकते थे, जो आप उस उम्र में जाके जो जॉब में जो काम कर सकते थे, ऐसे काम आप नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबिलिटी चाहिए एंड यहाँ पे आप अलग कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो जाता है। बट अगर आप 50 के ऊपर हो तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत कम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बड़े हो चुके होंगे, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आपका कॉर्पस हो चुका होगा डिपॉजिट, तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है। बट मैं यहीं पे कहूंगा कि आप इस कैटेगरी में अगर आते हैं, एज कैटेगरी में, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है प्लस आपका इनकम भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आके आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए। लेट्स से आप अभी 45 है आपकी एज, तो यहाँ पे बहुत अमाउंट आप, सारे अमाउंट आप इक्विटी में डाल नहीं सकते हो, तो यहाँ पे 100 माइनस एज अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 50 to 55% आपको आता है यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट करना। अब इक्विटी में भी आप कैटेगरी कर रहे हैं कि इंडेक्स फंड में आप, अगेन लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है 30%, बट यहाँ पे मैं फ्लेक्सी कैप फंड में प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होगा, बट लार्ज एंड मिड कैप में आपको 10%, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप कंपनी का थोड़ा बहुत एंड लार्ज कैप कंपनी भी यहाँ पे रहता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपको स्मॉल कैप में तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, क्योंकि काफी रिस्की हो जाएगा आपके लिए, बट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आपको कह सकता हूँ, जो डायनामिक एसेट एलोकेशन होता है, यहाँ पे डेब्ट एंड इक्विटी के अंदर एक बहुत ही अच्छे से कॉम्बिनेशन होकर ऑटोमेटिक डायनामिक एलोकेशन होता है, तो यहाँ पे फिक्स रिटर्न होता है, 9-10% यहाँ पे रिटर्न मिल ही जाता है, जो आप 50% अमाउंट यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। एंड देन गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड 10%, अगेन मैं आपको कहूंगा कि गोल्ड, अगर आप देखोगे पूरा मेरा वीडियो में, आपको गोल्ड 5-10% एवरी एज कैटेगरीज में, ओनली 24-28 छोड़ के बाकी से जो 3 एज कैटेगरी है, यहाँ पे आप गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बाकी आप यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स आप अमाउंट यहाँ पे लेट्स आप 40,000 आप मंथली इन्वेस्ट कर पाएंगे 40,000, तो यहाँ पे देखो आपका अमाउंट निकल के आता है, निफ्टी 50 में 12,000, फ्लेक्सी कैप में तो कुछ है नहीं, लार्ज कैप में आपको 4,000, यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको 20,000 एंड यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको 4,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो आप एक्सेल शीट देख रहे हो ना, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप खुद जाके भी आप अपना अमाउंट एंट्री करके भी कैलकुलेशन ले सकते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर यू, आप अपना रिस्क एपेटाइट देखिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड मैं प्रीफर करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वो म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन आप अपना रिसर्च कीजिएगा, सो दैट अब आपका पैसा है, अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो आप कौन ले सकता है, या फिर आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट को भी आप पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा ऐसे पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। बस नॉर्मली ये वीडियो आपके लिए ऐसे जनरल गाइडेंस था कि आप कौन से एज कैटेगरीज में आते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हो इस एज कैटेगरीज में, तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।